बिल्कुल वो नारे खत्म कर दिया इन्होंने। पलवल सबसे गंदे शहर में गिनती हुई थी कुछ समय पहले, और अगर किसी को गंदगी देखनी है, नेताओं को स्वच्छ भारत अभियान चलाना है, तो यहाँ वो झाड़ू लेकर यहाँ देखो कैसे होता है स्वच्छ भारत। समस्या पीछे गली में डेयरियां हैं, लोगों ने पशु बांधे हुए हैं और उसको गोबर को उठाने की बजाय समर्सिबल चलाते हैं और पाइप से सारा गोबर वो नालियों में भर देते हैं। कूड़ा करकट से बदबू इतनी ज्यादा हो जाती है कि शाम के टाइम घर में रुकना भी मुश्किल हो जाता है। मच्छर, बदबू, नाले सारे ओवरफ्लो, पानी की निकासी नहीं है, तो बीमारियों का घर बन रहा है। जैसी कोई बरसात आएगी तो हमें डर है कोई फिर दोबारा भयंकर बीमारी ना फैल जाए। जैसे पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी हम लोग घर से 3 मेंबर डेंगू में एडमिट रहकर आए हैं। अब या तो ये इलाका छोड़ के चले जाएं हम लोग बरसात के मौसम में, जब प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है किसी भी तरह की। हाँ की है मैंने, पार्षद को भी बोला था, पप्पू को, बोले जी ये अपने 16 तारीख को CM साहब आ रहे हैं, उनके ये दौरा होने के बाद हम इन नालों को करा देंगे। अब तक उन्होंने भी कुछ नहीं कराया। PMO भी मैंने फ़ोन किया, CM ऑफिस में भी मैंने मेल दिया हुआ है, वो आपको दे दूंगा अभी मैं उसकी कॉपी भी, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं है किसी। नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।